भारत के युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे उम्रदराज योद्धा अपने नाम के साथ संबोधन के रूप में कोई नाम लेता है तो वह गंगा पुत्र ही अपने साथ जोड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। वो गंगा पुत्र कोई और नहीं, भीष्म पितामह थे। भाइयों बहनों, गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में नमामि गंगे की परियोजना का शुभारंभ किया और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दी। हम सब इस बारे में जानते हैं, मां गंगा के बारे में योजनाएं पहले भी बनती थी। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, कार्य प्रारंभ भी हुए थे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ना था। जो उस समय के चार राज्य गंगा से जुड़े हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये तीन राज्य थे, जिसमें झारखंड और उत्तराखंड बाद में बना, पांच राज्य इस अभियान के साथ जुड़े। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो पांच राज्य आते हैं, उन पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। आज वहां एक भी बूंद सीवर नहीं गिरता है, जलीय जीव फिर से वहां पुनर्जीवित हो गए हैं। 2019 में प्रयागराज कुंभ के पीछे की सफलता के पीछे की कहानी भी यही है कि 2019 में जब प्रयागराज का कुंभ था तो प्रयागराज के कुंभ के पीछे हम लोगों ने जो सबसे पहले उद्देश्य रखे थे, स्वच्छता का, स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का, गंगा की अविरलता और निर्मलता और गंगा और उसकी सहायक 10 नदियों पर भी हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था। आपने देखा होगा दशकों बाद प्रयागराज कुंभ में अविरल और निर्मल जल पूज्य संतों को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हुआ था और देखते ही देखते करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आकर के उन्होंने वहां पर पवित्र स्नान में भाग भी लिया। ये जो पूरा कार्य है ये सचमुच केवल सरकार के भरोसे नहीं, सरकार अपना कार्य करेगी
लेकिन याद रखना, अगर सरकार आगे हो और समाज पीछे हो तो कार्य में सफलता की स्थिति बहुत कम होती है। समाज आगे आए और सरकार उसे पीछे रह करके उन कार्यों को आगे बढ़ाएगी तो उसमें सफलता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। समाज की जागरूकता इस दिशा बहुत महत्वपूर्ण है। नमामि गंगे परियोजना लागू होने के बाद आज आप देख सकते हैं, काशी में आप जाइए गंगा निर्मल दिखेगी। मुझे याद है आज से 5 वर्ष पहले काशी में हम लोग जब जाते थे, मुझे याद है जब 2018-19 में काशी में गंगा जी में बाढ़ आई थी और मैं उस समय वहां गया था। मैंने उस समय वहां पूछा, मैंने कहा क्या स्थिति है, तो मुझे एनडीआरएफ के जो जवान वहां पर नियमित प्रैक्टिस करते थे उन्होंने कहा कि गंगा जी में पीओडी की मात्रा बहुत ज्यादा होने के नाते यहां पर एक जल स्थिति ऐसी नहीं कि हम इसे स्नान करने की बात तो यानी स्नान की बात तो दूर है, हम इसमें सामान्य प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन विगत वर्ष जब मैं वहां गया था और बाढ़ के समय ही मुझे उस रास्ते से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैंने फिर उन लोगों से पूछा, मैंने कहा नमामि गंगे परियोजना के बाद के परिणाम क्या हैं? उन्होंने कहा देखिए, पहले हम लोग जब यहां प्रैक्टिस करते थे तो हमारे पूरी शरीर पर लाल लाल चकते हो जाते थे, और आज जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आज हमें सामान्य ये गंगा जल का जो महत्व है वह हम लोगों को एहसास होता है। यानी पहले स्नान करने लायक भी यह जल नहीं था, लेकिन अब यह जल आचमन भी इससे आराम से किया जा सकता है, पूजा के योग्य भी यह जल आज के दिन पर बना हुआ है। आज वहां पर डॉल्फिन आपको दिखाई दे सकती है। गंगा जी का जो महत्व है उसमें डॉल्फिन भी गंगा की एक पहचान है और यह भी वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य केवल सरकार के प्रयास से भर से एक निरंतरता नहीं प्राप्त कर सकते। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सिवर के या औद्योगिक कचड़े से जुड़े हुए प्रवाह थे उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की, जगह जगह जो सौदागृह बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। क्योंकि हम सब का यह मानना है, कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातःकाल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो वह नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो। और मां गंगा के प्रति हमारी यह सनातन आस्था, उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और ये केवल गंगा नदी, केवल जो गंगा जो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, इस एक नदी मात्र का नहीं बल्कि गंगा से जुड़ने वाली उन सभी सहायक नदियों को भी हम इसके साथ जोड़ करके जब एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे जिसमें कि किसी भी प्रकार की गंदगी सिवर या गंदा नाला या सौ का दागरे सौता या मरे हुए जानवर या कोई भी कचड़ा हम नदी में नहीं फेंकेंगे, एक हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं
उन प्रयासों के साथ जुड़ना। अक्सर होता है, हम लोग देखते हैं, लोगों की एक मान्यता रही है, प्रारंभ से रही है हिंदू समाज में, अंतिम संस्कार करने की तीन प्रकार की परंपराएं रही हैं। अग्नि संस्कार की रही है, भू समाधि की रही है और जल प्रवाह की रही है। हमें जल प्रवाह से हर प्रकार से अपने को दूर करना पड़ेगा, अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी अग्नि संस्कार के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना होगा। और इस कार्य में प्रारंभिक वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई, लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, मरे हुए जानवरों को नदी में नहीं फेंकना, गांव से जुड़े हुए जितने भी गांव के सिवर हैं, गांव के ड्रेनेज हैं, इनको भी नदी के ओर नहीं जोड़, नदी की तरफ न डाल करके इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना। और अब तो बायो रेमेडिसिन की जो व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अगर हम आधुनिक तकनीक को अपना करके थोड़ा भी प्रयास कर लें, हर एक ग्राम पंचायत में उसको हम जोड़ करके कम खर्चे में बेहतरीन व्यवस्था दे सकते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने जब 2019 में गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो उस बैठक के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा यात्रा निकाली थी, मां गंगा के प्रति प्रत्येक गंगा पुत्र को जागरूक करने की दिशा से गंगा यात्रा निकली थी। ये गंगा यात्रा बिजनौर से कानपुर तक और बलिया से कानपुर तक यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के पूरे मार्ग पर लोगों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। इसमें अनेक कार्यक्रम चले थे कि हमें गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में मां गंगा के दोनों ओर के जो कमांड एरिया है उससे बाहर भी 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, खेती का कौन सा मॉडल लागू करें, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, उस उपज की ब्रांडिंग करने, उसके लिए मार्केटिंग उपलब्ध करवाने, मां गंगा के दोनों तटों पर 5 किलोमीटर के दायरे पर बागवानी की विशेष खेती के लिए प्रोत्साहन करने, गंगा नर्सरी और गंगा उद्यान को विकसित करने, गंगा पार्क की स्थापना करने, गंगा घाट की स्थापना करने, और हर एक स्तर पर कहीं भी कोई भी गंदगी इस क्षेत्र में न आने पाए, इसके लिए व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम 2019 में मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र में एक गंगा यात्रा के माध्यम से यह कार्यक्रम 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर आयोजित किया था, उसके अच्छे परिणाम भी आए। लेकिन आप जानते हैं विगत 2 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरी विश्व मानवता के सामने जो चुनौती आई है, उस कोरोना प्रबंधन में सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी व्यस्त होने के कारण इसमें जो अपेक्षित गति आनी चाहिए थी उसमें कुछ कमी तो आई, लेकिन ये थमा नहीं है, इसमें जड़ता नहीं आई है। और इसीलिए समग्र गंगा से जुड़े हुए आप सभी गंगा पुत्रों से मेरा आह्वान होगा, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की संख्या इस समग्र गंगा के राष्ट्रीय महासमागम में सर्वाधिक है और 7 राज्यों की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में यहां पर हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि मां गंगा और यमुना का जो सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर गंगा या यमुना या सरयू या रामगंगा या राप्ती जितनी भी नदियां हैं, इन सभी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। और वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वृक्षारोपण जो सामान्य रूप से होते हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, या उस प्रकार के वृक्ष जो फलदार हो, जामुन है, बीजू आम है, या उस प्रकार के कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सके। किसान अगर अपने खेत में
बागवानी लगाना चाहता है तो हमने उसको फ्री में पौध उपलब्ध करवाना शुरू किया। 3 वर्ष तक सरकार उसको कुछ सब्सिडी देगी। अगर वो प्राकृतिक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती से अपने यहां उत्पादन करता है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने कानपुर में आयोजित किया। ये सभी कार्यक्रम निरंतरता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और उसका परिणाम हम सबके सामने आया भी, लेकिन इसे और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब जब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएं ये अपने सफलता के अंतिम चरणों में चल रही हैं, अब समाज को आगे आकर के इस पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हमारी सभी 75 जनपदों में हमने गंगा समिति का भी गठन किया है, राज्य स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। ये समितियां अब समय समय पर उस जनपद से जुड़ी हुई नदियों के बारे में, उन नदियों में कोई उत्प्रवाह न हो और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी के लिए कोई जगह न हो, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन समाज अगर इसमें बढ़ चढ़ करके आगे आता है, यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का माध्यम बन सके। और इस अवसर पर न केवल